तो जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत सुपर हिट टॉपिक्स लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो देखते हैं क्या है वो टॉपिक। दोस्तों कुछ कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मुझे 3D कुछ सॉन्ग को 3D बनाना है, वो भी इजीली, बहुत इजी तरीका से किसी सॉन्ग को। टॉपिक यह है कि 3D बनाना है। 3D मतलब अगर अगर सुनेंगे ना तो जैसे कि वो मूव कर रहे हैं लेफ्ट राइट या फिर अलग अलग से मूव कर रहा है सॉन्ग, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की वो टॉपिक से। तो वो टॉपिक क्या है चलते हैं देखते हैं। आप जाइए, ये अगर आप चाहते हैं तो इसका लिंक में कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और देखे रखा हो, देख लीजिए। वो काइनमास्टर है, काइनमास्टर के लिंक्स में दे रखा हो। तो दोस्तों इस तरह से काइनमास्टर को निकल लीजिए, और बाद में कुछ बैकग्राउंड लेना है, उसका मीडिया लेना है, मीडिया फाइल कुछ ले लेंगे। मैं तो चूज करता हूँ ऐसे ही लेना चाहिए, सिर्फ लेना चाहिए, ले लीजिए। मैं ग्रीन वाला को ज़्यादा चॉइस करता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन। चलते हैं, ये 3 को रख लेते हैं, 4 को रख लेते हैं, और उसके बाद हम चॉइस करेंगे गाने को। जो गाना आप ये करना चाहते हैं, 3D बनाना चाहते हैं, वो गाना को यहाँ पर लाइए और उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे टाइमलाइन पे आ जाएगा, उसे ड्रैग करके, उसे आप इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करके सामने कर देना है। बस हो गया, इतना ही करने का था। तो आपको इसे ट्रिम कर देना चाहिए, ट्रिम कर सकते हैं आप इस तरह से। तो मैं इसे ट्रिम कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब भी इस तरह से जितना आपको चाहिए उतना ट्रिम कर दीजिए। अगर फुल्ली चाहिए तो ये बैकग्राउंड आपको ज़्यादा लेना चाहोगा, बैकग्राउंड का ड्यूरेशन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों इतना ही लेता हूँ, इसके बाद देखते हैं आप लोग, देखिए आप लोग किस तरह से इसे 3D बनाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारा, पहले इसे प्ले करके सुन लीजिए ये कौन सी गाना है। तो दोस्तों ये हमारा गाना है। तो दोस्तों ये हमारा गाना है, थोड़ा जूम कर लूँगा मैं क्योंकि इसे, ताकि अच्छा तरह से सुन सके आप लोग, जूम करके ऐसे कर दूँगा। तो दोस्तों इसको डुप्लीकेट करना होगा, पहले इसे कुछ करने के बाद इसे डुप्लीकेट कर लेंगे अगर ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से इसे डुप्लीकेट करना है वो पहले देख लीजिए। दोस्तों इसे हम कर देंगे, पहला जो है उसे हम जितना है उतना ही रख देंगे। इसके बाद जो है उसे हम दोस्तों साउंड कम कर देंगे। अगर अभी नहीं, थोड़ा इसे थोड़ा देर के बाद दोस्तों इतना दे दूँ कि आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे। ये बैकग्राउंड के 3 पार्ट करना है और दबा देना है। इसको 0 कर देंगे, उसके बाद इसे 100 कर देंगे, 100% कर देंगे। उसके बाद इसके लास्ट में जो है उसे आप यहाँ पे जब जाएंगे तब इसे ड्रैग करके दोस्तों इसे हम माइनस कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम, सॉरी दोस्तों ये फिर भी आ जाता है क्यों पता नहीं, इसको हम यहाँ पे हम ड्रैग करना है दोस्तों, इसे थोड़ा इधर कर दो। तो दोस्तों इसे हम, फिर भी आता है। तो दोस्तों इसे हम कर देंगे,
ये चला गया है दोस्तों, इसे यहाँ पे यहाँ से फिर लाएंगे हम, तो इसे कर देंगे ड्रॉप और इसे माइनस कर देंगे, कर देंगे मतलब इसको फिर हम ऊंचा पे रख देंगे, 100% कर देंगे, इसके फिर हम ज़ीरो कर देंगे, यहाँ पे हम फिर इसे 100 कर देंगे, यहाँ पे फिर हम इसे ज़ीरो कर देंगे, यहाँ पे फिर हम इसे 100 कर देंगे, और यहाँ पे फिर हम इसे ज़ीरो कर देंगे, और यहाँ पे फिर हम इसे 100 कर देंगे, और यहाँ पे फिर हम इसे ज़ीरो कर देंगे, और यहाँ पे फिर हम इसे 100 कर देंगे। तो इतना दोस्त हो गया, तो इसका डुप्लीकेट कर लीजिए, इस पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा नीचे, और इसको हम अब इसे भी ऐसा कर लीजिए, इसको अपोजिट कर दीजिए, ये जो ऊपर का है इसे नीचे कर दीजिए, ये नीचे का जो वो ऊपर कर दीजिए, ये जो 100% था इसे 0% कर दीजिए, ये जो 0% था इसे 100% कर दीजिए, मतलब इसका अपोजिट करना है आपको, उल्टा करना है, तब जो किया था उसे उल्टा कर देना है, जो 100% था उसे 0% करना है, 0% को 100% करना है, ये 0% है इसे 100% करना है, इसको 0% करना है और इसको 100% करना है। तो दोस्तों अब हमारा काम हो गया है, बस हो गया है काम हमारा, अब चलते हैं दोनों को अलग अलग दिखना है हमें, उसके बाद आप लोगों को क्या, आप लोग क्या करेंगे, ये साउंड वाला जो बटन है उसे क्लिक कर देंगे, इसे कर देंगे आप लोग, जिसको लेफ़्ट करना है उसे लेफ़्ट कीजिए, मैं तो ऊपर का जो है उसे ही लेफ़्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग लेफ़्ट कर दीजिए, इसे साउंड तो 100% ही है, तो इसे लेफ़्ट कर दीजिए और इसे कंप्रेसर को ऑन कर दीजिए, इसके बाद इसे कंप्लीट हो गया, और नीचे का जो है इसे राइट कर दीजिए, ये साउंड वाला जो बटन है उसे ऑन कर दीजिए और इसे राइट कर दीजिए, नीचे का जो वो है। तो अब हो गया दोस्तों, अब सुन लेते हैं, चलिए सुन लेंगे, आप लोग हेडफोन एयरफोन यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को वो सही मिले, तो दोस्तों एक बार सुन लेते हैं, तो दोस्तों अब लेफ्ट ईयर में है, अब राइट ईयर में है, और अब लेफ्ट ईयर में है, अब राइट ईयर में है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा कि इतना अच्छा वीडियो मुझे किसी ने भेजा है, तो उसको भी मैं लाइक कर दूँ, आप लोग जितना फेसबुक पे या ट्विटर पे जितना शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों को अच्छा अच्छा फ्रेंड मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ ये जलाल वाला बटन है सब्सक्राइब है, इसको दबा के काला रेस कर दीजिए, और उसके साथ साथ ये जो बेल वाला बटन आया है इसको भी दबा के लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।